नमस्कार दोस्तों, आन वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करेंगे जून एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि अगर हमने एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया है ऑनलाइन तो उसका स्टेटस किस तरीके से चेक करें, हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो वो सबमिट हुआ या नहीं, किस तरीके से पता करें। तो इसी वीडियो के में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जून का एग्ज़ाम फॉर्म है। इसमें अगर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर देखिए, इन केस द पेमेंट इज़ डिडक्टेड बट नो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इज जनरेटेड, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू वेट फॉर 72 आवर्स टू चेक द स्टेटस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू सर्च ऑप्शन। तो ये जो सर्च ऑप्शन है इस पर ही आपको क्लिक करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर से सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उससे सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आपको इसको 72 आवर्स के बाद देखना है, यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है तो उसके 72 आवर के बाद देखना है। लेकिन यहाँ पर 72 आवर को काउंट करने का तरीका ये है कि संडे, सैटरडे और होलीडे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने फ्राइडे को अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा था ऑनलाइन, तो फिर आप सैटरडे को काउंट मत कीजिए, संडे को काउंट मत कीजिए, मंडे से देखिए कि मंडे से 72 आवर कितने दिन तक हुए, और तब उसके बाद फिर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्या क्या डालना होगा आपको, सबसे पहले अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। आप जानते होंगे आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है 9 डिजिट का, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ भी क्या है, आपका जन्म तारीख जो आपकी है, जो इग्नू में रजिस्टर्ड है वो भी आपको पता होगी, और आपको यहाँ पर से सबमिट कर लेंगे। तो हम इसमें एक डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट नंबर डालते हैं और देखते हैं कि क्या पर देख पा रहे हैं। जैसे ही हमने इसमें अपना इनरोलमेंट नंबर डाला और डेट ऑफ बर्थ डाला तो यहाँ पर कंट्रोल नंबर आ चुका है, जो कि कंट्रोल नंबर था, और डेट ऑफ सबमिशन भी बता दिया गया कि किस दिन आपका डेट ऑफ सबमिशन एग्ज़ाम फॉर्म का हो गया। वेडनेसडे 18 मार्च को 11 बजे आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया जा चुका है, यानी कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म एक्सेप्ट किया जा चुका है, यानी कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म अपना भर लिया। तो इस तरीके से आप भी अपना चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ दोनों को डालकर सही तरीके से सबमिट कर दीजिए, और आपको पता चल जाएगा आपका डेट ऑफ सबमिशन क्या है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर यह बात जरूर याद रखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 72 आवर्स के बाद ही आप चेक करें, यानी कि अगर आपने कल अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो उसके 72 आवर्स के बाद ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस आप चेक करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और स्टूडेंट्स के बीच में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही।